ये यहाँ इंटरसेप्टर विराजमान हो रखी है नीचे और हम यहाँ छत में मजे दे रहे हैं मौसम के। ये देखो हालत जैकेट की, ये जो आप देख रहे हैं ना स्पॉट्स, ये गोबर लगा है गोबर। तो यूं ही कल्ट नहीं बनते इंडिया में राइडर, धूल मट्टी गोबर सब खा के राइड करनी पड़ती है। तो राजस्थान से आने के बाद ये हालत हो गई है जैकेट की, और अभी इसको ड्राई क्लीन के लिए देना है क्योंकि नेक्स्ट राइड बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। आपको पता है इंटरसेप्टर की लाइट्स जो है बहुत ज़्यादा डिम है, इस वजह से मुझे थोड़ी फॉग लाइट्स लगानी पड़ेगी अपने अगले राइड के लिए। तो बाइक तो बिल्कुल मस्त राजस्थान से आने के बाद चमका दिए और पॉलिश भी हो गई है। हाय विहान, से हाय टू एवरीवन। हाय विहान इन येलो एज़ वेल। इसका थोड़ा इंजन ऑयल भी डार्क कलर का लग रहा है, तो इसकी सर्विस का भी पता करना पड़ेगा। तो ये देखिए बाइक तो चल रही है लेकिन मीटर नहीं चल रहा है, अभी ज़ीरो शो कर रहा है, कभी कभी जाग जाता है तो हल्का ऊपर नीचे होता रहता है। तो यही प्रॉब्लम जो है मेरी इसमें आई थी, पहले भी आई थी लास्ट ईयर, तो दो साल में दूसरी बार ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आई थिंक सेंसर काफ़ी वीक है इनका या क्या है, बट होपफुली इस बार भी ये लोग विदाउट चार्ज करें, ठीक कर दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अब दो साल हो गए हैं, पता नहीं ये सर्विस वारंटी में है कि नहीं। बट एनीवेज अगर चार्ज भी करेंगे तो मुझे पता है ज़्यादा पैसा लगना नहीं है इसमें, बिकॉज लास्ट टाइम भी 5-10 मिनट में उन्होंने ठीक कर दिया था। तो ऐसा इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि मेरे को पूरा कंसोल चेंज करना है या क्या करना है, तो सिर्फ सेंसर की ही प्रॉब्लम है जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी मीटर चल रहे हैं, RPM चल रहा है, और आई थिंक ट्रिप मीटर वगैरह में एक दो चल रहे हैं, लेकिन जो ये माइल्स वाला है वो नहीं चल रहा है। खैर मीटर तो हम देख लेंगे रॉयल एनफील्ड जाके, लेकिन अभी मौसम देखिए देहरादून का, वाह क्या अल्टीमेट मौसम हो रहा है। राजस्थान की राइड्स के बाद जो ये मौसम मेरे को यहाँ फील आ रहा है ना, वेरी प्लेजेंट। तो मौसम तो अच्छा है आज का, बट ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए, अगर बारिश होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं होगी, बट ये है कि जब आप बाइक इतनी अच्छे से चमकाते हैं ना पॉलिश करके, तो आप चाहते हैं कि कम से कम 4-5 दिन तो ऐसी अच्छी दिखे, अगले दिन ही अगर बारिश हो जाए ना तो फिर मज़ा नहीं आता जब कीचड़ लगता है। बट एनीवेज जो ये रास्ता है ये शॉर्टकट है सिटी का, नॉट इज़ ए सिटी, राजपुर रोड जो ऊपर वाला रास्ता है उसके लिए शॉर्टकट है मेरे वहाँ से, तो इस वजह से मैं ये रास्ता ले लेता हूँ, क्योंकि ये रोड बहुत सुंदर है। ये देखिए जब आपको ऐसे व्यू देखने को मिलेंगे तो आप सिटी रोड क्यों लेंगे। ये देखिए और यहाँ पर प्यार होता हुआ, प्यार नहीं है, एक दूसरे को खुजा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। और हाँ, अगर आपने लास्ट राइड्स में नोटिस करा होगा तो यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का लीवर लगा हुआ था, तो वो एक्चुअली एक्सेलरेट करने के लिए होता है। उससे क्या होता है, यू डोंट हैव टू पुट द ग्रिप थ्रू आउट द जर्नी, तो बहुत लाइफ ईजी करता है। वो जैसलमेर में टूट गया था, तो एक साल उसको हो गया था, अब इससे ज़्यादा तो कह रहे वो चलेगा नहीं मेरे ख्याल से। तो उससे क्या है, मेरे हाथ में पूरे छाले पड़ गए थे इसको 8 घंटे पूरा ग्रिप बना के, तो वो भी मेरे को ख़रीदना है आज। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ उसके 2 स्टॉक रख लूँगा, तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये हम पहुँच गए रॉयल एनफील्ड के शोरूम, अभी तो कोई दिख नहीं रहा है, सबसे बढ़िया टाइम है। अरे वाह मीटियोर, कैसा लग रहा है कलर बताइएगा, क्या है भैया? मीटर चेक कराना था भैया, मीटर मीटर खराब हो गया भैया फिर से इसका, स्पीडोमीटर ट्राई करना है। चेक करना है, ये लो। तो स्पीडोमीटर चेक करेंगे भैया चला के, क्या ले भैया कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे यार मीटर ख़राब हो गया फिर से इसका ना, हाँ लास्ट टाइम भी हो गया था, वो जो स्पीडोमीटर है ना वो ऊपर नहीं जा रहा बिल्कुल। हाँ देख लीजिए, वो सेंसर्स का ही प्रॉब्लम था लास्ट टाइम भी, हाँ लास्ट टाइम भी हुआ था, लास्ट ईयर हुआ था। पहले भी इसका ये जो था ना, अभी तो बिल्कुल बंद हो गया, थोड़ा चलाओगे तो कभी कभी ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम भी यही प्रॉब्लम थी, कभी कभी जा रहा है लेकिन मोस्टली ज़ीरो में है, कभी कभी जा रहा है।
ये है रॉयल एनफील्ड की अंडरग्राउंड पार्किंग जहाँ पर आप आते हैं सर्विस देने के लिए। तो बात हो गई है, उन्होंने चेक कर लिया है, दे सेड कि गरारी ख़राब है। आई थिंक गरारी इन अ बेटर वर्जन कॉल्ड सेंसर, जो कि टायर से बिल्कुल जुड़ के लगी होती है, उसके बाद उसकी वायर निकलती है। तो मेरे ख्याल से अभी भी वो वारंटी में ही आ रही है, बिकॉज उन्होंने सिस्टम में डाल के देखा तो अभी भी फ्री बता रहा है वो। तो थैंक गॉड कि अभी तक फ्री है। लेकिन अगर ये हर साल ख़राब होती रही तो शायद कभी ना कभी तो मेरे को अपनी पॉकेट से पे करना ही पड़ेगा। पर ठीक है, सेंसर्स का तो इट्स लाइक दैट ओनली, और राइड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी ये चेंज करा। नहीं नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो खैर ये तो सेंसर में तो प्रॉब्लम आती रहती है। अच्छा, तो ये सेंसर है ये। अच्छा, ये मीटर में जाती है वायर और ये नीचे आपका टायर में लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो होपफुली अब ख़राब ना होगा, क्योंकि इसके बाद तो मेरे ख्याल से मेरी वारंटी भी ख़त्म हो जाएगी ना। वैसे कितने का ये? 775 रुपये का। अच्छा, रिकॉर्डिंग करने के लिए बहुत सारे साउंड आ रही थी यहाँ पर बाइक्स वगैरह की। तो 8 महीने में लॉक चेक करा रिकॉर्ड, तो 8 महीने में ये पार्ट जो है दोबारा ख़राब हो गया। तो भैया जो बैठे हुए थे ऑफिस में वो भी परेशान हो गए कि ये इतनी जल्दी कैसे ख़राब हो रहा है। तो मेरे से एक सवाल पूछते हैं कि क्या आप गड्ढे में बहुत चलाते हो? तो उसका जवाब तो मैं नहीं दे पाया। जवाब ना देने के रीज़न बहुत हैं, क्योंकि गड्ढे में ही चलती है बाइक वैसे तो, रोड में भी चलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद मेरी बाइक में ये सीन होना था। तो मैंने कहा जब तक मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ तब तक तो ठीक है, जब मैं पैसे दूँगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अभी ठीक कर रहे हैं वो पार्ट, मुश्किल से आधा एक घंटा लगेगा, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। तो रॉयल एनफील्ड से निकल रहे हैं अब, और मीटर चल गया। ओके, अगर बाइक चलाते हुए मीटर ना चल रहा हो ना तो बहुत अजीब लगता है। बट थैंक्स रॉयल एनफील्ड, उन्होंने मीटर का ये चेंज करा। खैर ये तो वारंटी में था ही, तो मैंने देखा उन्होंने ब्रेक्स वगैरह भी मेरी थोड़ी सी पॉलिश, मतलब शार्प करी, सर्विस करी है ब्रेक्स वगैरह भी उन्होंने काफ़ी। तो और चार्ज कुछ नहीं करा। वैसे लास्ट टाइम जॉब कार्ड वगैरह का ये लोग 34 रुपीज़ चार्ज करते थे, वो भी बंद कर दिया इन्होंने। आई एम नॉट श्योर कि स्पेशली मेरे लिए बंद कर नहीं लिया है या फिर नॉर्मली अब लेना बंद कर दिया है। तो मीटर चालू हो गया है, अच्छा लग रहा है देख के। थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, सिटी है। बस जैकेट अब देनी है मैंने लॉन्ड्री के लिए, ड्राई क्लीन के लिए मतलब, और उसके बाद निकलते हैं जहाँ पर ये लाइट्स वगैरह का काम होगा। इसमें देहरादून में तो इलामुला बिल्डिंग है एक, वहाँ पर सारे काम हो जाते हैं, तो सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह वहीं मिलेंगे। तो देखते हैं कि अपने बजट में कौन सी पड़ती है बेटर। अंकल जैकेट की ड्राई क्लीनिंग कितनी है? अंदर जैकेट की ड्राई क्लीनिंग कितनी हुई है? 200। कब तक मिलेगी? लेकिन थोड़ा जल्दी मिल जाएगी मेरे को। 21 तारीख को मिलेगी। 21 को पक्का? श्योर। फिर मेरे को राइड पे निकलना है ना, मेरे को जैकेट चाहिए। ठीक है ठीक है भाई। तो 200 रुपये में ड्राई क्लीनिंग, ठीक है, वर्थ इट है। और ये आ गई देहरादून की फेमस इनामुला बिल्डिंग, बहुत ही हिस्टोरिक प्लेस है ये भी, पता नहीं कितने साल पुरानी बिल्डिंग है। अब यहाँ पर मैंने एक शॉप देखी तो थी, ये है शायद, ये है कि इंडिया ऑटो पार्ट्स है, इंडिया ऑटो पार्ट्स, इंडिया ऑटो पार्ट्स आगे वाली है। हाँ कुछ नहीं भैया, ये है शायद, लास्ट टाइम भी मैं यहीं पर आया था।
चेक कर लेते हैं एक बार कैसे कैसे प्राइस है। शॉप में आके जब आप सामान लेने शुरू करते हो तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैं कंफ्यूज हो गया था एक हेडलैम्प्स में एलईडी लाइट्स में और फॉग लाइट्स में। सारा डिटेल लेने के बाद क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट सेम है सबका 1600-1500 और ये अलग अलग रेंज के हैं, ये 1600 का है, ये 1200 का है। तो आखिरी में भैया से सलाह लेने के बाद इसकी जो लाइट है बहुत ही ब्राइट है। कितने वोट की बोली भैया आपने? पार्किंग बल्ब, अच्छा वाइट वाला, अच्छा हाँ दे, ये कौन सा, ये पार्किंग बल्ब है, ये छोटा वाला जलता है, ये तो मैंने कभी आज तक देखा नहीं जलते। अच्छा हेडलाइट मेन जलती होगी तभी इस वजह से दिखता नहीं। ये कितने वाट की बताई आपने बल्ब? इस्माइल भाई ये 35 वाट है ना बल्ब। दिखाना कहाँ पर है वो बल्ब का है दिखाना जो अभी लगाया? अच्छा अच्छा लग भी गया ऑलरेडी। अच्छा हाँ तो ये 35 वाट का बल्ब है, चलो सही है। और पार्किंग बल्ब तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं क्योंकि हेडलाइट चलती रहती है तो, लेकिन वो भी चेंज करके वाइट लगा रहे हैं। और एक फंक्शन जो है इंडिकेटर चारों, तो उसमें लगेगा सिर्फ एक बटन और इंडिकेटर चारों ब्लिंक होने रहेंगे। बाकी उसमें एक एक्सपेंसिव वाला भी आता है जिसमें आपके हैजार्ड लाइट्स जल जाती है, तो इतना फैंसी होना नहीं है, चारों बल्ब जल जाएंगे तो हैजार्ड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो लाइट लग गई है और धूप भी बहुत हो गई है, तो यहाँ तो बहुत हल्ला है। पहले निकलते हैं किसी शांत वाली जगह में देहरादून की और तब करेंगे बात। ये तो रोड भी वन वे हो रखी है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको देहरादून की शांत जगह लाऊंगा, तो शांत जगह तो नहीं है, तो काफ़ी हल्ले वाली, लेकिन ये है तो बूफे रेस्टोरेंट, बहुत ही फेमस है देहरादून का, और सामने है गांधी पार्क। तो ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफ़ी विद आइस क्रीम, आज की जो एक्सपेंसेस हुए हैं मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम थे। एनफील्ड का काम 0 रुपीज़ में और लाइटिंग का काम 1550 में, तो जो है बहुत सही डील मेरे को लग रही है। बस ये है कि ये बल्ब वारंटी में नहीं है, तो अगर चल गया तो चल गया और नहीं चला तो आल बी बैक टू दी ओरिजिनल बल्ब। तो इसी के साथ अपना ब्लॉग यहाँ ख़त्म करता हूँ। आई होप कि यू एंजॉयड द वीडियो, इन्फॉर्मेटिव थोड़ी सी थी। आने वाली राइड्स में और भी मज़ा आने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन। ये वाला बल्ब लगाया वैसे आपने पहले कभी? कैसा इसका फीडबैक, सही है? कस्टमर वापस तो नहीं आता दोबारा? नहीं आता तो भी ठीक ही होगा मतलब।